वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम फ्यूचर पॉइंट्स। फ्रेंड्स, 24 दिन की मेहनत के बाद आज मेरा चैनल फिर से वापस हुआ है, जो टेक्निकल इशू के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था, पर मेरा चैनल फिर से वापस हो गया है। फ्रेंड्स, मैं अब डेली करंट्स अफेयर एंड जीके के वीडियो डेली अपलोड कर दुआ करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शुभम फ्यूचर पॉइंट, डेली करंट अफेयर्स बाई शुभम सर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपना करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आईज अलायंस का सदस्य कौन है? तो क्या है फ्रेंड्स, चर्चा में रहा फाइव आईज अलायंस सदस्य का सदस्य कौन हुआ है? तो फ्रेंड्स क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो क्या है फ्रेंड्स, ये सभी क्या हैं, फाइव आईज अलायंस के सदस्य हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? फ्रेंड्स, इतिहास रचा है भारत ने, 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो किस में जीता है फ्रेंड्स, घुड़सवारी में। किस में जीता है, घुड़सवारी में। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो किस भारतीय ने भाग लिया है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा INS सिंहाद्री। किसने भाग लिया है फ्रेंड्स, INS सिंहाद्री, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वहीदा रहमान को। किसे फ्रेंड्स, वहीदा रहमान जी को दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स क्या, भारत के नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित किया है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा IOCL। कौन फ्रेंड्स, कौन संस्था है, IOCL। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो क्या फ्रेंड्स, चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ से संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सिक्किम से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे संबंधित है, सिक्किम से, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो जीपी भारत 2023 की विजेता कौन है फ्रेंड्स? तो मोटो जीपी 2023 की विजेता कौन है, ये आंसर हो जाएगा मोर्को बेजेंची। कौन है फ्रेंड्स, मोर्को बेजेंची को हाथों में कौन अवार्ड दिया गया था, कौन दिया था, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, आदित्यनाथ जी के द्वारा मोटो बेजेंची जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जापानी कंपनी न्यूक्लियो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो जापानी कंपनी न्यूक्लियो यूनिक्लो ने किसे अपने भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, कैटरीना कैफ। किसे बनाया गया है फ्रेंड्स, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो के द्वारा ब्रांड अम्बेसडर चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो किससे फ्रेंड्स, चाक परियोजना का संबंध किससे है, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किससे है, छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं फ्रेंड्स डेली करंट्स अफेयर एंड जीके जीएस के क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।